हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे लेसन परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना में कुछ मूल बातें हमने पढ़ी थी, तो थोड़ा सा उनको रिपीट कर लेते हैं। सर्वप्रथम हमने बात की थी परमाणु संरचना शुरू करने से पहले केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री है वो कीमिया शब्द से बना है, और कीमिया एक जाति थी रूस में 17वीं शताब्दी में, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों से विभिन्न प्रकार के रसायन बनाने का काम करती थी, और उन रसायनों को बनाने के कारण और कीमिया जाति के नाम पर और एक विज्ञान बनी जो कि केमिस्ट्री कहलाई। और फिर उसके बाद में हमने शुरू किया था परमाणु संरचना, और परमाणु संरचना में सबसे पहले हमने बताया कि परमाणु को अंग्रेजी में एटम कहते हैं, और जो एटम वर्ड है वो ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, जिसे और अधिक आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। अर्थात मैंने आपको बताया था कि जॉन डाल्टन ने 1808 में बताया कि परमाणु वह अत्यंत सूक्ष्म कण है जिसे और अधिक आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसे ग्रीक भाषा में वहां एटम कहा गया और हिंदी में उसे परमाणु कहा गया। और फिर उसके बाद में हमने जिक्र किया था वर्तमान संदर्भ में कि परमाणु है वो एक गोलाकार आकृति में होता है, और गोलाकार आकृति के मध्य भाग में एक कठोर भाग होता है, दृढ़ भाग होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है, और नाभिक में दो कण उपस्थित होते हैं जिन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। और परमाणु के बाह्यतम जो कोश होते हैं, मैंने बताया वो कोश एक चौड़ी पट्टी के रूप में होते हैं, इन चौड़ी पट्टी के कोशों को ऊर्जा स्तर कहा जाता है, इसे कक्षा भी कहते हैं। तो चौड़ी पट्टी वाले इन जो स्थान है उन्हें ऊर्जा स्तर या फिर इन्हें कक्षा कहा जाता है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इन कक्षाओं में और उपकोष स्थित होते हैं, इन कक्षाओं के अंदर उपकोष स्थित होते हैं, और उन उपकोषों को याद रखना हम SPDF के नाम से बोलते हैं, SPDF इन उपकोषों को कहा जाता है। और मैंने यह भी बताया था कि यहां जो दृढ़ पिंड के रूप में नाभिक है, उस नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो यहां जो आप उपकोष भरोगे SPDF का जो क्रम है उसमें से नाभिक की तरफ हमेशा S उपस्थित होता है, फिर बढ़ते क्रम में P, फिर D और फिर F उपस्थित होता है। और फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि जो SPDF है अगर आप इनको आकृति के रूप में ढालोगे तो S हमेशा एक बॉक्स बनेगा, और इस एक बॉक्स को याद रखना कक्षक कहा जाता है, एक बॉक्स को मैं बोलूंगा एस कक्षक, और अगर मैं तीन बॉक्स आपके सामने बना देता हूं इस प्रकार से तो मैं उन्हें बोलूंगा पी कक्षक। कौन से कक्षक है? पी कक्षक, यानी ये तो एस कक्षक है, एक बॉक्स एस कक्षक होता है, तीन बॉक्स है वो पी कक्षक होते हैं, और अगर मैं पांच कक्षक इस प्रकार से यू निरूपित कर दूं तो याद रखना उन्हें डी कक्षक कहा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं? डी कक्षक कहा जाता है। और फिर एफ की बारी आई थी, एफ में आप जानते हो इस प्रकार से अगर सात बना दूं, सात बॉक्स बना दूं तो उन्हें फिर एफ कक्षक कहा जाता है, ये एफ वाले होते हैं। और मैंने बताया था कि इनमें जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक ऊपर की तरफ मुंह वाला अर्थात क्लॉकवाइज दिशा वाला होता है, और एक नीचे की तरफ मुंह वाला अर्थात एंटी क्लॉकवाइज वाला होता है। तो इन कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वैज्ञानिक था हुंड, और हुंड के नियम अनुसार इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, कि जैसे सपोज कीजिए मुझे कोई एफ में और इलेक्ट्रॉन भरने को बोले, एफ में अधिकतम मैंने बताया था आपको 2, 6, 10, 14 ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन में इतने आ सकते हैं, तो एफ में अधिकतम 14 आ सकते हैं, तो पहले हम 14 भरने से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, वो भी यहां क्लॉकवाइज दिशा में, और उसके बाद में फिर
भरने के बाद पूरे सिंगल भरने के बाद फिर युग्मन करेंगे और वो युग्मन हुंड के नियमानुसार होगा। तो यहां इस प्रकार से युग्मन कर दिया जाएगा और नीचे की तरफ मुंह वाला इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी थी और आप याद रखना। अब हम परमाणु के जो मूल कण है, जो मूल कण जैसे प्रोटोन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, इनकी बात करते हैं। तो इनकी बात करते हैं तो यहां बाह्यतम कोश है वो संख्या में कई होते हैं। इस प्रकार से संख्या में कई होते हैं ये चौड़ी पट्टियां और इन चौड़ी पट्टियों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर हमेशा धनावेश होता है। न्यूट्रॉन शब्द न्यूटल शब्द से बना है। न्यूटल जिसके पास कोई आवेश ना हो, तो न्यूट्रॉन के पास कोई आवेश नहीं होता, तो न्यूटल शब्द से न्यूट्रॉन शब्द की उत्पत्ति हुई है। और प्रोटॉन पर धनावेश हो गया, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश हो गया। अब जो मूल आवेश है इन पर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर, वो हम बात कर लेते हैं। न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश है ही नहीं। तो यहां आपको इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो आवेश आपको याद रखना है। पहले तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा ई माइनस प्रतीक से लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन को जब जब आप रसायन विज्ञान में लिखोगे तो आपको स्मॉल ई के ऊपर माइनस लगा देना है। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणावेश उपस्थित होता है तो ई माइनस लिख देंगे। इसका अर्थ वो इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इलेक्ट्रॉन का प्रतीक है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो आपको याद रखना है, माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम होता है। ये आपको याद रखना है, ये चीजें कई आपको याद रखने वाली है। आप याद रखना 10⁻¹⁹ में लिखोगे तो यहां 19 लगाओगे माइनस के आगे, और यहां पहले भी आप याद रखना माइनस लगाओगे। यहां लगाना माइनस बहुत जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा जो आवेश है वो ऋणावेश के रूप में उपस्थित होता है। यहां ई माइनस से पता चल रहा है कि आवेश है वो ऋणावेश के रूप में उपस्थित है। फिर हम प्रोटॉन पर आवेश की बात करते हैं। प्रोटॉन पर हमेशा धनावेश होता है, तो प्रोटॉन को आप जब लिखोगे तो पी प्लस लिख देना। पी प्लस हमेशा प्रोटॉन का प्रतीक होता है, प्रोटॉन का निशान होता है, सिंबल होता है। और इस पर जो आवेश लिखो तो ये जो आवेश लिखना है ना, ये आवेश यहां सेम लिख दीजिए, बस चिन्ह निशान बदल दीजिए। आगे धनावेश लगा करके यू लिख दीजिए 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। इस प्रकार से आप इसको लिख दो। और अब न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन को एन जीरो से लिखते हैं क्योंकि यहां न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता तो जीरो लगा दिया जाता है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता तो हम यहां लिख देते हैं नील आवेश। नील आवेश यानी न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। द्रव्यमान मतलब भार, इनका वजन, उस वजन की बात करते हैं तो वो भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर हम द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम। 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम आपको याद रखना है। ये जिस रूप में ज्ञात किया गया हम उसी रूप में इसको याद रखेंगे, हमारे काम आएगा और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं इनसे। और प्रोटॉन पर जो आप द्रव्यमान की बात करोगे प्रोटॉन का, तो ये होगा 1.672 × 10⁻²¹ किलोग्राम। ये आपको याद रखना है, 1.672 × 10⁻²¹ किलोग्राम। इसी प्रकार न्यूट्रॉन पर आप जब द्रव्यमान की बात करोगे तो आप लिखोगे 1.674 × 10⁻²¹ किलोग्राम। अब ध्यान देना, यहां एक प्रश्न पूछा गया था किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को और व्यवस्थित क्रम में लिखिए, तो फिर उससे हम कैसे लिखेंगे वो आप देखना। तो यहां 10⁻³¹ है, तो 10⁻³¹ है तो हम यहां ये मानेंगे कि ये सबसे नगण्य है, ये इस राशि का मान सबसे नगण्य है, सबसे कम है।
तो फिर ये राशि का मान सबसे कम हो जाएगा क्योंकि इस पर 10^-31 लगी हुई है। इसी प्रकार यहाँ 27 माइनस में बराबर है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ 1.672 है, 1.674 है, इसका मान सर्वाधिक होगा। तो न्यूट्रॉन पर और द्रव्यमान सर्वाधिक होता है, फिर 2 नंबर पर प्रोटॉन पर होता है, और 3 नंबर पर सबसे कम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इस प्रकार ये सामान्य सी बातें आपको यहाँ याद रखें।